यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपी सिटी सोनू कुमार ने इंद्राबाल तिराहे पर महानगर के चौकी प्रभारियों के साथ मीटिंग किया। इस दौरान एसपी सिटी सोनू कुमार ने इंद्राबाल विहार तिराहे पर ठेला लगाने वाले लोगों को चौराहे से 2 फीट दूरी करके ठेला लगाने के लिए निर्देश दिया। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनू कुमार ने बताया कि महानगर में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए सभी चौकी प्रभारियों तथा बीपीओ को निर्देशित किया गया है कि महानगर में लगने वाले ठेले चौराहों से 2-2 फीट दूर कर लें, जिससे जाम की समस्या ना रहे, तथा सभी ठेले वालों का नाम पता नोट कर लें, जिससे भविष्य में जहां वेंडिंग जोन बने तो उनको वहां पर स्थानांतरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये भी बताया गया है कि किसी तरह का उत्पीड़न का मामला सामने ना आए, तथा ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक कि यातायात व्यवस्था में सुधार ना हो सके। इस अवसर पर प्रशिक्षित सीओ प्रशाली गंगवार सहित सभी चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आगे से बोलो।
सभी चौक इंचार्जों को ब्रीफ किया गया, क्या निर्देश? देखिए, नगर क्षेत्र में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको देखते हुए सभी चौकी प्रभारी और बी पी ओज को ये निर्देशित किया गया है कि जो भी ठेले खोमचे लगाते हैं वो दो दो फीट कम से कम दूर कर लें अपने आप को चौराहों से, ताकि चौराहों पर जाम की समस्या ना रहे। इसके अतिरिक्त सबके नाम मोबाइल नंबर वगैरह नोट करके रखें और भविष्य में जहाँ पर भी वेंडिंग जोन बनेगा वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि किसी तरह की कोई अभद्रता ना हो, किसी तरह की कोई उत्पीड़न का मामला भी सामने नहीं आना चाहिए। सर, यह अभियान अभी दिन के लिए लगातार चलता रहेगा? यह अभियान लगातार चलता रहेगा, जब तक नगर क्षेत्र का ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू नहीं हो जाता तब तक ये अभियान चलाया जाएगा।